रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र की उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको 16 अप्रैल की शाम होते ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि 16 अप्रैल की शाम होते ही माता लक्ष्मी जी के कदम इन राशि वालों के घर पर पड़ने वाले हैं। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी अब इन राशि वालों से खुश हो चुकी हैं। माता रानी अब इनकी भक्ति से प्रसन्न हो चुकी हैं और इन राशि वालों पर माता रानी अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसाने वाली हैं। जी हाँ, जिससे कि अब इनका आने वाला हर लम्हा शानदार होगा। बता दें कि अब इनके जीवन से विनाशकारी शक्तियों का नाश होगा। दोस्तों, दरअसल आपको हम बता दें कि 16 अप्रैल की शाम से सिद्धि नाम का योग और महालक्ष्मी नाम का योग बन रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास योग माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन शुक्रवार भी पड़ रहा है, जो कि माता रानी जी का खास दिन माना जाता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय दिन होता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन चैत्र नवरात्र का चौथा दिन भी रहने वाला है, जो कि माता कुष्मांडा जी को समर्पित होता है। जी हाँ, साथ ही साथ यह शुक्रवार इस चैत्र नवरात्र का पहला शुक्रवार रहने वाला है। दोस्तों, अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर वह भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिनके जीवन में, जिनके ऊपर इस दिन से माता लक्ष्मी जी अपनी विशेष कृपा करने वाली हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि सबसे पहली राशि है तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस राशि वाले व्यक्ति इस समय जिन कार्यों को लेकर चिंतित हो रही हैं, वह सभी कार्य इनके अब बनने लग जाएंगे। इन राशि के लोगों के जो भी सरकारी काम रुके हुए हैं, वह सफलतापूर्वक पूरे होने वाली हैं। कोई नई जमीन जायदाद खरीदने के भी आपके योग बन रही हैं। चतुर्थ चंद्र और मंगल की दृष्टि से आपको आर्थिक लाभ का होने के योग हैं। परिवार से खुशियों का आगमन आपको होगा। अचानक किसी बड़े काम में आपको सफलता मिल सकती है। जमीन संबंधी मामलों में आपका काम आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि इस राशि वाले व्यक्तियों को इनके प्रत्येक कार्य क्षेत्र में दोस्तों का साथ प्राप्त होगा, जो आपके उन्नति में अहम भूमिका निभाने वाली है। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति कपड़ों और गहनों का व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों को फायदा प्राप्त होगा। बता दें कि इस दौरान आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कार्यस्थल पर आपको सफलता मिलेगी। लक्ष्य साधने में आपको सफलता प्राप्त होगी। पुरानी संपत्ति के मामले भी आपके हल हो सकती है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। जी हाँ, बता दें कि इस राशि वाले व्यक्ति इस समय जिन कार्यों को लेकर परेशान थे, वे सभी इनके अब बनने लग जाएंगे। जी हाँ, बता दें कि इस दौरान आप लोगों को माता पिता का सबसे ज़्यादा सहयोग मिलेगा। कोई नया काम भी आप लोग शुरू कर सकती हैं। आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में इस दौरान सफलता की ओर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन साथी का भी आप लोगों को पूरा पूरा साथ मिलेगा। समाज में आप लोगों की प्रशंसा की जाएगी। आपके जीवन की सभी परेशानियाँ अब खत्म होने वाली है। दोस्तों, बता दें कि अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। जी हाँ,
इन राशि वालों का आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इस समय के दौरान आप लोगों को कई सारी बड़े लाभ होंगे। लंबी दूरी की यात्रा पर आप लोग जा सकती है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जीवन साथी के साथ आप लोग इस दौरान अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। आप लोगों का आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम रहने वाला है। माता और पिता का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा, जिससे कि आप लोग भविष्य में तरक्की करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों का समाज में इस दौरान मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है मेष राशि। जी हाँ, बता दें कि मेष राशि वालों को सरकारी कामकाज में कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको अब छुटकारा मिल सकता है। संतान के करियर को लेकर आपकी अब चिंता समाप्त होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सुखद अनुभव प्राप्त होगा। पुरानी संपत्ति में चल रहे वाद विवाद आपके अब खत्म होंगे। आपका निजी जीवन अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर परिवार में आपकी शांति बनी रहेगी। आपकी आमदनी में भी इस दौरान वृद्धि होगी और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। आप लोगों के प्रेम संबंधों में इस दौरान मजबूती आ सकती है। आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, बता दें कि अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। बता दें कि आप लोगों को अपनी कड़ी मेहनत का इस दौरान परिणाम बहुत ही जल्द मिलने वाला है। सभी परिणाम आपके कार्यक्षेत्र के पक्ष में होंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा। आप लोग सभी क्षेत्रों में इस दौरान सफलता को प्राप्त करोगे। आपकी सभी परेशानियां अब माता लक्ष्मी जी समाप्त करेंगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी वाणी पर इस दौरान संयम रखें और अपने गुस्से पर काबू रखें। दोस्तों, बता दें कि अगली राशि है मकर राशि। जी हाँ, बता दें कि माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों के कई सारे अटके काम अब पूरे होंगे। इसी के साथ साथ कई सारे नए नए अवसर आपके हाथ लग सकते हैं। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी लगातार आपको सुधार देखने को मिलेगा। इस समय आप किसी अच्छे क्षेत्र में निवेश भी कर सकती हैं, जिससे कि आर्थिक लाभ के लिए अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, बता दें कि अगली राशि है कुंभ राशि। जी हाँ, बता दें कि इस दौरान धन लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। निवेश की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए अपने अनुभव के अनुसार आप निवेश का जरिया बना सकती हैं। इस समय में आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने का आप प्रयास करें। आने वाला समय आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास रहने वाला है। पैसों की स्थिति पर विचार आप ज़रूर करें। पैसों से जुड़ी हर स्थिति पर आप लोग पूरा पूरा ध्यान दें। इस दौरान आप सभी फैसले आपके इस दौरान सही साबित होंगे। आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। आपको जीवन साथी से अच्छी सलाह इस दौरान मिलने के योग बन रही है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।